हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तारीख है आज 10 अगस्त और डेट है आज क्या आने की, आपकी दूसरे राउंड का एलोकेशन होने वाला है, सीट एलोकेशन होने वाला है DU में। तो ये बहुत बड़ा दिन है उन सभी लोगों के लिए जिनको ये भी इंतज़ार है कि क्या मेरी सीटें अपग्रेड होंगी या नहीं, और उनका भी काफ़ी लंबे से उन बच्चों का भी इंतज़ार है कि क्या मुझे नई सीट्स एलोकेट होंगी नहीं है जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया था। तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, निश्चिंत रहिए, ज़रूर होगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी काफ़ी बच्चे विड्रॉ किए होंगे या बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हुआ होगा। कितने बच्चों का तो मेरे पास ही फ़ोन मैसेज आया कि सर ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से फाइनली नहीं हो पा रहा है, कुछ का क्या हुआ था, कंपार्टमेंट वगैरह आया तो एक सब्जेक्ट में हुआ दूसरे में नहीं। तो फाइनली वो अपने क्राइटेरिया पे वो रहेंगे, अपना जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी DU वालों की उस पर कायम रहेंगे। तो ऐसे लोगों का बहुत होगा, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, हज़ारों की संख्या में पहुँच सकते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स और भी एकेडमिक डिटेल्स सही ना होने की वजह से या पूरा ना होने की वजह से रिजेक्ट हुआ हो, कुछ अपने रीजन से भी क्या किए होंगे, विड्रॉ किए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बचेंगे तो फाइनली सीट खाली होगी। वैसे आपके देखिए 15-20 हज़ार सीट ऑलरेडी खाली ही थी, तो कुल मिला के तो कम से कम 20-25 हज़ार सीटें तो मिलेंगी ही, फिल्टर होगे, फिर उसमें लोकेशन होगा, अपग्रेड भी होगा। तो बिल्कुल भी निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपको सीटें भी मिलेंगे, लोकेट भी होंगे, और उसके साथ साथ थर्ड राउंड में भी आपके चांस बनेंगे। ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट राउंड में सबको बट गया, सबने पेमेंट कर दी, अभी पेमेंट के बाद भी देखोगे चीज़ें आपके सामने सामने क्या आएंगी, बदली हुई तस्वीरें नजर आएंगी, जो आपको निराश कर दे रही थी कि जी कितने कितने तो जीरो, एक एक सीट, आपके सर इस कॉलेज में तो एक सीट बची, जीरो सीट बची है, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, कितनी सीटें तो बताई नहीं जाती, फिर भी एडमिशन हो जाते हैं। आप जितना देखते हो, आप एक्चुअल डेटा देखते हो कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, उसके बाद भी 150 सीटें ऐड कर ली जाती हैं, तो इसके लिए बिल्कुल निराश नहीं होना। मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी थर्ड राउंड में भी बनेगी। सेकेंड राउंड में कितने लोग सोचेंगे कि अब हमें, आज के समय तो देखा ही जा रहा है कि जो क्या है आपका एडमिशन जो मेन कोर्सेज के बेसिस पे हो रहे हैं कॉलेज हैं, लेकिन बहुत सारे महानुभाव इनको कॉलेज ही चाहिए, बढ़िया कोर्स का मैटर नहीं करता, तो ऐसे भी लोग चले जाएंगे अच्छा इससे बढ़िया BHU AU में पढ़ने, तो वो चले जाएंगे पहली कट ऑफ में, उनका अगर BHU में आ गया या उधर से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे वही लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, कभी बच्चे बाहर से आते हैं, तो बहुत सारे रीजन होते हैं विड्रॉ करने के भी, जाने के भी। तो सीटें बचेंगी, अपग्रेड होंगी, एलोकेट होंगी, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी लोगों को मिलती हैं सीटें काफ़ी। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उम्मीद बने रहना है, साथ में अपना बैकअप भी रखना है, एकदम इसी के भरोसे भी नहीं रहना है कि सर कर दिए हैं तो एकदम ब्रह्मा की लकीर, पता चला हमको खोजने लगो या आप अपना कुछ बैकअप ना रखे हो तो फिर कहीं ना मिले। तो इधर उधर भी अपना देखते रहिए, बना के रखे रहिए कि DU BHU में भी, BHU AU में भी आपके चांसेस हों, अगर DU में नहीं होता है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपका बेहतर कोर्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सके। ठीक है, बाकी अपडेट वगैरह आपको मिलती रहेगी, शाम तक 5 बजे समय है, तो देखना शायद दूसरे पहर स्टार्ट होते ही 3-4 बजे से शो होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइव हो जाएगा, जैसे होगा आपको अपडेट वगैरह दे दिया जाएगा। खैर आप देखते रहिएगा, अगर किसी कारणवश नहीं दे पाए तो आज अपना बने रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।